बैक टू माई चैनल उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। सो यहाँ सुबह सुबह का वक्त हो रहा है, तकरीबन सुबह के बज गए हैं 7। और बेसिकली आप सबको शायद पता होगा मेरे ब्लॉग का जो मेरे जो चैनल का नाम है वो भी शो करता है कि आई एम अ PhD डॉक्टर। सो माई मेजर इज जेनेटिक्स, सो आई हैव टू कलेक्ट माई सैम्पल्स फ्रॉम माई फील्ड। सो आज मैं जा रही हूँ अपने सैम्पल कलेक्ट करने के लिए अपने फील्ड में। तो आज मैं आपको अपना फील्ड दिखाऊँगी कि सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं, सारा प्रोसेस कैसे होता है, मेरा फील्ड कैसा है। सो इट्स गोना बी सो इंटरेस्टिंग। सो here we go again, trying hard but you wanna be my friend, ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again, call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out, I can help you out, I can help you out. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे, ये सारा मेरा फील्ड है। बेसिकली मेरा जो काम है वो राइस पे, और राइस की जो जेनेटिक्स है उस पर सारा, जीनोटिपिक्स और फिनोटिपिक एनालिसिस पे सारा मेरी जो रिसर्च है वो है। और आप देख सकते हैं ये मेरा फील्ड है, इससे मैंने सैंपल कलेक्ट किए हैं। तो आ जाए आपको मैं कुछ सैंपल्स दिखाती हूँ जो मैंने कलेक्ट किए। ये मेरे सैंपल्स हैं, क्यों अब मैं F3 जनरेशन पर काम कर रही हूँ। बेसिकली ये मेरे पास F3 जनरेशन है, तो बेसिकली इनको मैं कलेक्ट करूँगी, फिर जाके इनका DNA एक्सट्रैक्ट करूँगी, देन आई हैव टू डू PCR, देन आई हैव टू जेल, देन आई हैव टू डू मैनी फिनोटिपिक पैरामीटर्स। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप विच इज़ सो यू कैन से सो डिफ़िकल्ट। ये सबसे मुश्किल पहला मरहला होता है, उसके बाद ही होता है जब आपके पास सैंपल्स होते हैं तो फिर आप लैब में बैठ के ईजिली काम कर सकते हो। तो आज लकीली ये भी है कि मौसम बहुत अच्छा है। लास्ट ईयर ये था कि जब मैंने अपने सैंपल्स कलेक्ट किए थे, लास्ट ईयर मैंने F2 जनरेशन पे काम किया था, अब मेरे पास जो है F3 जनरेशन है। तो जो मैंने लास्ट ईयर F2 पे काम किया था, तो मेरे साथ ये था कि इतनी गर्मी थी कि मे भी आप लोगों ने कुछ वीडियोस में मेरे मुंह पे देखा हो कि आई हैव अ पिंपल ऑन माय फेस, क्योंकि मुझे इस राइस फील्ड से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। तो इसीलिए जो है ना वो सैंपल्स मैं कलेक्ट नहीं कर सकती। मैं अभी आपको एक लड़का दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे जो PhD के स्टूडेंट्स हैं उनको ये एज होता है कि उनके जो प्रोफेसर्स होते हैं उनके साथ मास्टर्स के स्टूडेंट्स देते हैं जो उनकी काम में हेल्प करते। बाद जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं आपको DNA के एक्सट्रक्शन दिखाऊंगी, देन मैं आपको PCR दिखाऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दिखाऊंगी, और डिफरेंट पैरामीटर जो फिनोटाइपिक पैरामीटर्स होते हैं लाइक इसकी हाइट लेना, इसकी ग्रेन्स, इसकी सीड्स, बहुत ज़्यादा मतलब कोई 25-30 पैरामीटर्स हैं जो इसके। तो आई विल शेयर विद गाइस, ये जिस पे
फील्ड में मैं खड़ी हूँ, बेसिकली मेरी जो पॉपुलेशन है, जो जितना मेरा मटेरियल है वो इस एरिया में जो है वो सो किया। और लकीली ये है कि मेरे प्रोफेसर ने ही इस साल का जो मेरी F3 जनरेशन थी उसने ही सो कर दी लाइक, और नेक्स्ट मंथ मैंने इसको हार्वेस्ट करना, ये मेरा स्टेप है। नेक्स्ट मंथ जब इसको हार्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको वो भी ब्लॉग में दिखाऊंगी कि इसको हार्वेस्ट कैसे करते हैं, क्योंकि हार्वेस्ट करने के बाद इसका फिनोटिपिक एनालिसिस किया जाता है और हार्वेस्टिंग से पहले इसका जीनोटिपिक एनालिसिस किया जाता है। आप लोग ये देख सकते हैं इतने लॉन्ग शूज़ पहनने पड़ते हैं और वो लॉन्ग शूज़ पहन के इस मड के अंदर जाना पड़ता है। तो लास्ट ईयर मैंने बहुत काम किया है, तो इस साल जो है जो मेरे रिजल्ट थे वो अच्छे थे, मेरा प्रोफेसर बहुत खुश था मेरे से, तो उसने मुझे एक मास्टर का स्टूडेंट दिया, उसने मुझे बोला कि ये तुम्हारे साथ तुम्हारी हेल्प करेगा। सो गाइज मैंने यहाँ पर बैंगन देखे तो मुझे मेरे भाई की याद आई, और फिर मैंने उस फार्मर जो है यहाँ पे काम कर रहे थे तो उनसे पूछा कि मैं एक बैंगन ले लूँ, तो उसने कहा हाँ एक नहीं दो जितने चाहिए ले लो। छोटे छोटे तो मैं बड़ा वाला और हेल्दी जो है बैंगन वो तोड़ के देती हूँ, ये छोटे हैं ये मत तोड़ो, ये देखे मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस ये यहाँ पे मुझे पूछ रही थी कि इसका नाम क्या है, तो मैं इसको बता रही थी कि इंग्लिश में इसको एग प्लांट बोलते हैं, तो इसको समझ नहीं आती क्योंकि इनको इंग्लिश नहीं आती, तो मुझे कहती है वो ये थिम्पुतों, कह रही है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कह रही हो, तो वो हंस रही आगे से कि मुझे नहीं पता है और मैं नहीं बोल सकती कि इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं। सो गाइस ये काम कर रही थी फील्ड में तो ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई, तो ये मेरे साथ बातें करने लग गई, मुझे मेरा नाम पूछने लगी और मुझे बोलती है कि क्या तुम इसको खुद पकाओगी। तो बेसिकली इनकी जो चाइनीज़ लैंग्वेज है समझ तो आती है बट ये बहुत ज़्यादा स्पीड में बोलते हैं, तो इनका एक्सेंट का भी फ़र्क है, जैसे आप इंग्लिश में हो तो उसका भी एक्सेंट होता है, तो ये एक्सेंट जब चेंज होता है इनकी तो इनकी स्पीड में आवाज़ समझ नहीं आती। तो ये मुझे बार बार पूछ रही थी कि तुम इसको खुद पकाओगी, मैंने कहा हाँ इसको मैं खुद पकाऊंगी, कहती तुम्हें कुकिंग आती है, मैंने कहा हाँ आती है कुकिंग। फाइनली अब मैं जा रही हूँ, ये पीछे मेरे प्रोफेसर ने मेरी यूनिवर्सिटी से मेरे लिए गाड़ी बुक की कि तुम इससे आ जाना, तो ये गाड़ी खड़ी मेरा वेट कर रही है। और ये थोड़ा सा आप देखें तो ये सारा फिशरी है, इसमें फिशरी है। सो हियर वी गो।